नमस्कार मित्रों, श्री मंदिर के इस नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में मैं पंडित मिलन भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि हम सब जानते हैं, 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के दिन से चैत्र नवरात्र का आरंभ होने जा रहा है। इस दिन हम माता रानी की स्थापना के साथ घट स्थापना भी करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे घट स्थापना कैसे करते हैं, उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा और घट स्थापना का महत्व क्या है। आइए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले कलश स्थापना यानी घट स्थापना का पौराणिक महत्व क्या है। इसके लिए हमारे पुराण में से बोले गए एक मंत्र के साथ में इसको महत्व आपका समझाऊंगा। मंत्र है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातुर्गुणाश्रिता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अंगेश्च सहिता सर्वे कलसंतु समासिता यत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा आयान्तु देव पूजार्थ दुरितक्षय कारक गंगेश्च यमनेश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करस्पृष्टानि तेजवे तेन सत्य नमे देव तीर्थम देहि दिवाकर। यह मंत्र का अर्थ है, पौराणिक कथा के अनुसार, पौराणिक मंत्रों के अनुसार, कलश के घट के मुख में विष्णु जी, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं, निवास करते हैं और कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियाँ और तीर्थ स्थान निवास करते हैं। और इसीलिए पूजन के दरमियान कलश की स्थापना सभी मातृशक्तियाँ और तीर्थ स्थानों का प्रतीक मानकर की जाती है। इसमें कलश में शुद्ध जल भरा होता है। यह इसका मूल भाव और इसका प्रतीक रूपी यह है कि हमारा मन भी इसी जल की तरह सुंदर, स्वच्छ और निर्मल रहे और हमारे इस शरीर रूपी कलश में जिस प्रकार के भी कुत्सित भावना हो, पाप, घृणा इत्यादि जो कुत्सित भावनाएं पनपती हैं, वह पनपे नहीं और अगर पनपे भी तो जल के साथ घुलकर वह हमारे शरीर से निकल जाए। यह था मित्रों कलश स्थापन का, घट स्थापन का पौराणिक महत्व। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन, चैत्र नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा और उनकी संक्षिप्त पूजा विधि। सबसे पहले मित्रों, इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन शुभ मुहूर्त घट स्थापना के लिए है सुबह 5:28 से 10:14 तक और 11:56 से 12:47 तक। यह दोनों ही मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बाद में अब हम जानेंगे संक्षिप्त में घट स्थापना कैसे की जाती है यानी उनकी पूजा विधि। तो इसके लिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन सुबह में स्नान शौचादि करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र धारण करें। जहाँ पर आपको घट स्थापना करनी है वह घट स्थापना की जगह को गंगा जल, शुद्ध पानी या तो गौमूत्र से साफ कर लें। उसके बाद एक मिट्टी का पात्र लें, वह मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी भर दें, उसमें जौ के बीज बोएं। अब आप एक कलश ले लीजिए, कलश में आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं, जिनको मिट्टी का मटका यानी मिट्टी का घट लेना हो वो लोग मिट्टी का घट भी ले सकते हैं। यह मिट्टी के घट को थोड़ा पानी से साफ कर उसके ऊपर रोली से स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद में उसके कंठ में यानी जो ऊपरी हिस्सा होता है कलश का, वहाँ पे मौली बांध दे। अभी यह घट में थोड़ा सा जल भर दे और जल भरने के बाद में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें उसमें मिला दे। इसके बाद आपको घट के अंदर, कलश के अंदर इत्र, अक्षत, सुपारी, 1.25 रुपया और थोड़ी सी इत्र की बूंदें मिलानी है। इसके बाद में आपको कलश के अंदर 5 प्रकार के पत्ते रखने हैं, जिसमें आम, अशोक, पीपल, गुलर और बरगद के पत्ते का उपयोग किया जाता है। पर अगर आपके पास यह सब पत्ते अगर उपलब्ध नहीं हैं तो
आप इसकी जगह पे आम या तो अशोक के 5 पत्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में एक नारियल ले लीजिए, नारियल को लाल कपड़ा लपेटकर उसके ऊपर मौली बांध दीजिए और वह नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। अभी यह आपका कलश जो तैयार हुआ है, यह कलश को जो मिट्टी के पात्र में जहूं के बीज बोए हैं उसके बीचों बीच स्थापित कर दें। तो यह हो गई आपकी कलश स्थापना की विधि। इसके बाद आप नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो यह थी मित्रों घट स्थापना की विधि, उनके शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। ऐसी ही नवरात्रि के विविध व्रतों के बारे में जानकारी के लिए, नवरात्रि के विविध भजन मंत्र इत्यादि सुनने के लिए आप डाउनलोड करें श्री मंदिर ऐप। तथा आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और साथ में श्री मंदिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगा, माँ दुर्गा आप सबको सुरक्षित और सेहतमंद रखे। धन्यवाद, नमस्कार।